नमस्कार दोस्तों, जय गो माता वंदे मातरम। आप सभी को ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो देश है, जो आज़ादी की इतना वो जंग लड़ के आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस उपलक्ष्य में लगभग हमारे भारत के सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में तो स्वतंत्रता दिवस को मना ही रहे होंगे। कुछ रैली में होंगे, कुछ हो सकता है कि हमारे जो नेतागण हैं उनके भाषण सुनने में व्यस्त हो, सभी अपने अपने अनुसार स्वतंत्रता दिवस की जो किसी कहते ना इन्जॉयमेंट करना, एक उसको एक्साइटमेंट के साथ में सेलिब्रेट करना, सब कुछ सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस में का ना जो पावन अवसर है, इस अवसर पे है ना जो ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान है, जो हमारा पाली जिला में जो उसका मुख्य केंद्र है, मेन ब्रांच है, वहाँ पर भी इसका एक ना समझ लीजिए कि आयोजन किया गया है। किस तरह से किया गया है हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान के साथ में जो भी हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं वो कैसे आज इस अवसर को मना रही है, कैसे शुभ अवसर को बहुत ही उत्साह के रूप में मना रही है, और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मना रही है, कैसे, आइए जानते हैं। होने पे किस तरह से सहयोग दे रही है अपना, और आप देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। ये गौ माता के लिए औषधि का निर्माण हो रहा है, जो लिम्पी रोग फैल रहा है राजस्थान क्षेत्र में, जिससे गौ माता की बहुत ही असहनीय मृत्यु हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। ऐसे में गौ माता के लिए औषधि बनाई जा रही है प्रजापत समाज और ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान के सदस्य, जिसमें सुनील जी भारद्वाज जी और हमारे गुरु जी विजेंद्र कुमार भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, और ये सारे जो सदस्य हैं बाकी प्रजापत समाज के, ये सभी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं औषधि निर्माण में, जिससे लिम्पी रोग को पूर्ण रूप से बचाया जा सके। इस तरह से स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन है किया जा रहा है अपने लिए नहीं गौ माता के लिए। ये इस तरह आटे के साथ हल्दी और काली मिर्ची का मिश्रण कर दिया गया है, जिसमें अनुमानित हमारा जो अंदाज़ा है वो लगभग 2000 कम से कम 2000 गौ माताओं को ये प्रसाद दिया जाएगा, जिससे वो लिम्पी रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो सके। जिसमें दौड़ जिसे कहते हैं ना एक उत्साह के साथ जो आगे आए हैं वो प्रजापत समाज व संस्थान द्वारा ये सभी भाई बंधु लगभग पाली क्षेत्र में सुभाष नगर बी के निवासी है, जिन्होंने स्वतः सोसाइटी बी के जो वासी है, जिन्होंने ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी ये सब सामान लाया गया है औषधि रूपी जो गौ माता के लिए, सब ने अपने 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 जो औसतन जो अपने कह सकते हैं आप अपनी सेविंग से कह लीजिए या अपने अमाउंट से कह लीजिए, किसी का कोई सहयोग नहीं दिया गया, कोई राजनीति का कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कोई नेता का नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्वतः सब अपनी मर्जी से अपने अपने सहयोग से अपनी सहयोग राशि से मिल के गौ माता के लिए इस औषधि की व्यवस्था कर रहे हैं और पूर्ण रूप से इस भाग में जुड़े हुए हैं, जिससे जितना अधिक से अधिक हम गौ माताओं को जिमा सके। लगभग जो यहाँ पे अंदाज़ा है हमारा कि लगभग पाली जिले के सभी क्षेत्रों में आसपास के सभी गाँवों में, यहाँ तक कि यहाँ आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो चाहे तो गौ माता को यहाँ से आके भी ले जा सकते हैं, जिनकी अपनी कोई पर्सनल गौ माता है वो भी चाहे तो यहाँ से आके औषधि ले जा सकते हैं और गौ माता को भोजन करा सकते हैं। और इस समाज में जो जुड़े हुए हैं उन सभी भाइयों के मैं एक बार नाम ज़रूर बताना चाहूँगी और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिसमें रमेश जी साउंड जो ये सभी जो लोग हैं ना, ये देखिए ये सब पाली जिला के जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे आसपास के ही क्षेत्रों के लोग हैं, तो इनमें से एक बार सभी का एक बार नाम आपको ज़रूर बताएंगे हम आपको, जिसमें जो जो हमें सहयोग राशि भेंट की गई है उसमें है रमेश जी साउंड की तरफ से 5100 रुपये, आपका भी बहुत बहुत आभार भाई साहब। उसके बाद में श्रवण जी बेड़तिया जिन्होंने 1100 रुपये शुल्क दिया, उसके बाद में ओम प्रकाश जी BSNL वाले जिन्होंने भी 1100 रुपये शुल्क दिया, उसके बाद में पुख जी प्रजापत जिन्होंने 500 रुपये दिए हैं, इसके बाद में मदन लाल जी चनवाड़िया, उसके बाद में माला राम जी उन्होंने भी 500 रुपये की सहयोग राशि दी है। देखिए ये सभी जो लोग हैं ना, सब अपने अपने जिस तरह से जितना सहयोग कर पाए हैं, चाहे आटे के थ्रू किया हो, चाहे अपने, देखिए अब यहाँ पे भी जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं ये सुबह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ आज देश पूरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कोई रैली में घूम रहा है, कोई किस तरह से मजे कर रहा है, कोई परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहा है, ये सभी भाई बंधु हमारे पास यहाँ संस्थान में आके गौ माता की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। इसके बाद में 500 रुपये संपल जी ओजवी, 500 रुपये पोकट जी रेडवाल, 500 रुपये भंवरलाल जी आंकली, 500 रुपये प्रकाश जी नानना, 1400 रुपये बेपी भाई, 500 रुपये मांगीलाल जी हलवाई, 100 रुपये भगवान जी ग्लास हाउस, 500 रुपये पवन कुमार जी, 500 रुपये सुरेश कुमार जी, 500 रुपये हस्तोमल जी प्रजापत, उसके बाद में 500 रुपये धनजी प्रजापत, 200 रुपये चेनाराम जी प्रजापत और 200 रुपये हीरालाल जी की तरफ से। लगभग आप समझ लीजिए इसमें अधिकांश लोग प्रजापत समाज के हैं और पाली जिले से जुड़े हुए हैं और खूब अच्छे से सहयोग दे रही हैं, खूब अच्छे से काम कर रही हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि जो भी अपने आसपास के क्षेत्रों में गौ माताएँ हैं, जी जी जी, इसमें हल्दी और काली मिर्ची का सहयोग संस्थान द्वारा किया गया है,
ज्योतिर्मय गोमरी सेवा संस्थान, जो कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान, आप सभी से देखिए एक निवेदन है, ये वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मकसद है उसका कारण यही है कि आप जितना हो सके अपने आसपास के क्षेत्र की गौ माता के लिए आगे आइए, जितना आप कर सकते हैं। देखिए कोई भी महल बनाने से पहले एक एक ईंट की आवश्यकता होती है ना, इसी तरह हर चीज़ के लिए, गौ माता की औषधि के लिए, इस रोग से बचाने के लिए भी हर भाई के हाथ का आवश्यकता है। समझ लीजिए कि हर भाई ने अपनी अपना जो सहयोग दिया है, अपना समय जो दिया है, अपना जो मूल्यवान समय देके यहाँ पे आए हैं, इन सब के लिए बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी आगे आइए और जितना हो सके गौ माता को लिंपी रोगों के लिए बचाए। एक बार आप सभी भाइयों से निवेदन करेंगे, जोर से बोल दीजिए, जय गौ माता, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।